कि जिला परिषद आवासीय परिसर जो सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत है वहाँ पे कुछ क्रिमिनल्स का जमावाड़ा है और उनके पास हथियार भी है और वो किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की प्लानिंग कर रहे हैं। अविलंब SDPO सदर के नेतृत्व में छापामारी की गई जिसमें सदर थानाध्यक्ष और बलवाहाट OP पदाधिकारी भी थे और वहाँ पर जब पुलिस गई तो वहाँ से क्रिमिनल्स ने भागना शुरू किया और बहुत ही फिल्मी स्टाइल में उन दोनों अपराधियों को दबोचा गया है। जो गिरफ्तार अभियुक्त है उसमें से एक सूरज कुमार यादव है जो कि गलफरिया बलवाहाट का रहने वाला है। इसके ऊपर करीब 5 आपराधिक केसेस अभी तक हम लोगों ने खंगाले हैं जिसमें सहरसा सदर और महिषी में जो कोई हत्याकांड हुआ था उसमें भी फरारी चल रहा था और साथ में उसके एक साथी सुबीन कुमार यादव वो भी मर्डर केस का एक वांछित अपराधी है। दोनों को मौके से गिरफ्तार किया गया। उनके पास से एक देसी कट्टा, 2 पिस्तौल और 4 गोलियां बरामद हुई है। सूरज कुमार का काफ़ी लंबा आपराधिक इतिहास है और ये काफ़ी बड़ा गैंग चलाता है और इसके अभी गैंग के 1-2 मेंबर्स बचे हुए हैं, बाकी करीब 10 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है। और मुझे लगता है कि इसके गैंग के टूटने से जो आपराधिक जो कभी कुछ घटनाएँ हो जाती हैं उस पर एक लगाम लगेगी। बहरहाल सहरसा की लेडी सिंघम कहे जाने वाली SP लिपि सिंह की यह बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। खुलासा के लिए सहरसा से इंद्रदेव की ये खास रिपोर्ट। कले कले कोड़ का कासला मामी किथे लग दिया लागे काले कारो बाहर साडे गैंगस्टर यार साडे जेडे बाता सा करदे ओ दम दे फरार साडे करते हो कि बुरे हो, विलन हो, खलनायक हो। 100% साहब, अपना अपना धंधा है सरकार। शौक है बचपन से, मेरा बाप बदमाश था, मैं भी बदमाश ही हूँ। जिस रेस से मुझे निकालने की बात कर रहे थे वो नहीं जानते उस रेस का सिकंदर।